आपके गांव कटारा में कराया जा रहा है। इसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता श्रीमान पंडित रोहतास, डीजे साउंड सर्विस जनूथर राजस्थान से। ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह कुंतल, गांव डगला पछांद्रा जनूथर राजस्थान से। और पेड़ पर संगति कर रहे हैं श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी रोनीजा नदवाई से। आपके सामने चिकड़ी बहन का कलाकार हिमलेश चाहर, गांव नगला कल्याण भरतपुर राजस्थान से। और सुनिएगा चिकड़ी बहनों का बोलना, और सुनिएगा अमृत है हर नाम जगत में, क्यों इसे छोड़ विष पीना क्या, हर नाम नहीं तो जीना क्या। कहना है अरे अमृत है हर नाम जगत में, अमृत है हर नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हर नाम नहीं तो मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा।
समय हरि नाम न आवे तो काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना 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 आदरणीय सज्जनों आइएगा चलते हैं प्रश्न की तरफ। गौर करिएगा एक समय की बात भगवान श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन को लेकर के उत्तर दिशा में सुशर्मा नामक राजा से युद्ध कराने के लिए ले जाते हैं। इधर पीछे से कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह की रचना कर दी गई। गौर करिएगा उस चक्रव्यूह की लड़ाई में लड़ते लड़ते वीर अभिमन्यु का वध हो गया। आहादनी सज्जनों यह खबर या सूचना भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाती है। चौपाई में तुलसीदास जी ने लिख दिया है साफ साफ कि बिन पग चले सुने बिन काना। कहना है अरे बिन पग चले सुने बिन काना और बिन कर कर्म करे विधि। अंतर्यामी थे मनी मन समझ गए। और सुनिएगा दोहा में कवि लिख रहा है कैसे और चाचा जी क्या अभिमन्यु का बध हुआ अभिमन्यु का बध हुआ कोई चक्रव्यूह दरम्यान हेर मन मलिन मग में भय कोई कृष्ण चंद भगवान रे भैया श्रवण सूचना पाए के क्यों है रे श्रवण सूचना पाए के कोई रोए गए कृष्ण मुरार क्यों है रे श्रवण सूचना पाए के कोई रोए गए कृष्ण मुरार और है रे आंख फार अब पारी दे कन लगो कोई अर्जुन पंड कुमार रे भैया अर्जुन पंड कुमार बहुत अच्छे इस जमाने को नजर में रखते हुए और कहना कैसे जो गरीब साची कहे चाचा जी जो गरीब साची कहे और नाजी हो क्यों अरे जो गरीब साची कहे नाची नाची हो और जो अमीर झूठी कहे जो अमीर झूठी कहे तो हाजी हो रे भैया हाजी हो क्या
हर भगवान को उदास देखा अर्जुन ने। अर्जुन पूछने लगा, भगवान मुझे बताइए इस उदासी का क्या वजह है कि उत्तर दिशा के सभी नजारे, अरे उत्तर दिशा के सभी नजारे देखन में कुछ खास लगे, और अर्जुन ने देखा माधव को तो माधव उन्हें उदास लगे कि चेहरा इनको लग रहा जैसे क्या हुआ, अरे चेहरा इनको लग रहा जैसे छुप जाए रवि गगन में और आके शंका है गई। आज भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने उदास देखा, बार बार पूछ रहा है, कह रहा है हे प्रभु मुझे बताइए हस्तिनापुर में क्या हुआ है। इधर गौर करिएगा, जब अर्जुन जिद करने लगा, भगवान श्री कृष्ण गांडीवधारी अर्जुन को एक गोल गोल बात समझा रहे और जिकड़ी की झड़ा रही है, चाचा जी कैसे क्यों क्या कहा, हेरे कौरव कियो और खोट रचो एक, अरे विश्व पुरस्कार बड़े भाई युवराज सिंह जी अध्यापक जी दे रहे हैं आशीर्वादी कामना करती, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहा, हेरे कौरव कियो और खोट रचो एक, और कोट त्रोण गुरु न्यारा, या में पन्नन को एक पीर रहे एक यो है शब्दों को। अब अर्जुन कह रहा है भगवान से कैसे, सुने श्याम के बेन पड़े ना तो, क्या कहा, अरे सुने श्याम के बेन पड़े ना चैन यू बचन उचारे, हे भगवान मुझे बताइए हस्तिनापुर में क्या हुआ है, और कहने लगा कैसे, जो हमारा यह वर्तमान चल रहा है, कवि ने एक सुंदर सी बात लिखी है और क्या क्या होने लगा है सुनिएगा, बहुत अच्छे क्यों कह रहा है, हे रे क्या होगा ऐसे में, चाचा जी कह रहा है कैसे क्यों, अरे क्या होगा ऐसे में, और अरे एक एक पैसे में, अरे क्या होगा ऐसे में, और एक एक पैसे में क्यों, हेरे अब तो लोगों के ईमान बिक रहे हैं, क्यों कह रहा है, अरे चाहे रात श्याम लो चाहे सीता राम लो,
चाहे राधे श्याम लो चाहे सीता राम लो, और चंद पैसों में वो भगवान बिक रहे हैं क्या। हेरे मुसीबत भारी हो चाहे अधिकारी हो, अरे मुसीबत भारी हो चाहे अधिकारी हो, क्यों जज और वकील कप्तान बिक रहे हैं क्यों। और कवि लिख रहा है कैसे, क्या होगा देश का, कहना क्या हेरे क्या होगा देश का आलम कलेश का, क्या होगा देश का आलम कलेश का, क्यों जगह जगह देख लो समसा